मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितिका बासल के नाम पर एक युवक के द्वारा लाखों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के लखेरा गली के रहने वाले गोपाल शुक्ला ने जिले के भितरवार के रहने वाले 3 कारोबारियों को करीब 3 लाख रुपए से ठगा है। यह रुपया उसने कभी सस्ता प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से ले लिया तो किसी को चेक एक दूसरे के नाम दिलाकर उनके पैसे हड़प लिए। 1.5 लाख रुपये का चेक एक कारोबारी को देने के बाद यह चेक 2 बार बैंक में बाउंस हो गया और भुगतान भी नहीं हो सका। गोपाल शुक्ला पुलिस अफसरों का नजदीकी बताया गया है। पुलिस अफसरों के नाम पर लोगों को उसने लाखों रुपये से चौपट लगाई है। शुक्रवार को इस शख्स से परेशान 3 कारोबारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितिका बासल से मिले और अपना दुखड़ा सुनाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वासल ने इन कार्रवाइयों को आश्वस्त किया है कि आरोपी गोपाल शुक्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1.5 लाख रुपए तो गोपाल शुक्ला ने कार्रवाई से एडल एसपी के नाम से ही ले लिए, जबकि उन्होंने इस तरह से किसी से भी पैसे की मांग नहीं की थी। देखिए क्या है पूरा मामला। ग्वालियर से खबर हरपल के लिए लक्ष्मण सेन की खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामजीलाल यादव। रामजीलाल जी, क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या ये है कि साहब का मेरे से है ना पैसे लिए गए ऐसा गोपाल शुक्ला मेरे से लिए, उन्होंने क्या कहते हैं 3,09,000 रुपए। अब किस कारण लिए थे? क्या मेरे से 1,59,000 रुपए दिए दामोदर गुप्ता को दिलवाए और 1.5 लाख रुपए मेरे से बोला कि मैडम को है ना बाहर जाना है, इमरजेंसी है। मैं उनसे संपर्क में मेरे से बोला तो मैं उनको देना है और जैसे ही है ना वो आ जाएंगे लौट के मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। कौन सी मैडम है, क्या नाम है? ये यहाँ तक आगे एडल एसपी अर्षा पासल। अच्छा, इनके नाम से लिए? जी हाँ। 1.5 लाख रुपए। और दामोदर गुप्ता जी कौन है? दामोदर गुप्ता जी उनको पैसा किसी लिया था उनने अग्रवाल। अच्छा, दामोदर अग्रवाल। हाँ, फिर अभी आप पैसे मांगते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे को धमकी देता है कि मैं ना सीएसपी मेरा अजीरा पे था, अजीरा पे लगा लगता सर मेरा अजीरे पे थाने से मैं सीएसपी से तुमको लट पड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, झूठे केस लगवा दूंगा, बंद करवा दूंगा, जेल में छड़वा दूंगा। तो ये एडिशनल मैडम के नाम से पैसे ले रहा था तो मैडम से आपने पूछा एक बार? मैं सर एक बार आया था तो मैंने कि मैडम ऐसी बात है गोपाल है ना आया था उस दिन, मैं उनके संग में आया था, मेरे को मैं बैठा था उसके साथ में तो उनने ना क्या कहते हैं बोले हमें कोई मतलब नहीं आता, प्रधानमंत्री का नाम तो ही लेता प्रधानमंत्री फिर कहेंगे आप अपनी कार्रवाई करिए। उनने मुझे आश्वासन दिया आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई होगी। अभी आपने आवेदन दिया क्या? मैडम ने क्या बोला है? मैडम ने आवेदन लेकर कार्रवाई करवाने के लिए बोल दिया है। मेरा नाम महेश भार्गव, मेरी बेटी का नाम मनीष भार्गव। क्या समस्या आपकी, किस तरीके का आपके साथ? गोपाल शुक्ला है वो मेरे बच्चे के साथ जिम वगैरह जाता था तो इस तरह से मित्रता थी, तो इधर आया कि प्लॉट जो है बिक रहा है उसकी बात करवाई और एग्रीमेंट कराया, आधे आधे पैसे दिए दोनों ने। मेरे पास पैसे थे नहीं तो पहले वो तैयार हो गया था प्लॉट वाला, उसके बाद गोपाल शुक्ला आया बोला कि इतने तैयार नहीं, उसका काम नहीं चल रहा तो मैं देता हूँ इसको कुछ आधे पैसे और एग्रीमेंट करा लिया सर। एग्रीमेंट गोपाल शुक्ला ने कराया तो मुख्य जो है रजिस्ट्री गोपाल शुक्ला ने रख ली थी, एग्रीमेंट मेरे पास है, कल्याण रजक नाम का जो है व्यक्ति है इसको मिलवाया था, उसको आज तक नहीं मिलवाया, टाइम अवार्ड हो गया था एग्रीमेंट का और उसके 3 महीने बाद शायद लगभग वो 2 लाख रुपए की उसको ज़रूरत थी, कई बार उसने चक्कर लगाए हमारे घर तो बेटे ने 1,95,000 रुपये नगद दी जिसके एवज में उसने बाद में चेक दिया जो 2 बार बाउंस हो चुका है। अभी आपने शिकायत की है, कहाँ शिकायत की है? कहाँ मैडम को शिकायत करी है, पहले ग्वालियर थाने वाले वो कोई सुन नहीं रहे तो फिर मैडम को शिकायत की है, मैडम ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करूँगी। लगभग कितने पैसे हैं आपके? मेरे सब 2.5 लाख रुपए प्लॉट एग्रीमेंट के 1,95,000 नकद गोपाल शुक्ला को जो दिए हैं जिसका चेक है मेरे पास। मेरा नाम दामोदर अग्रवाल। क्या समस्या है आपकी, किस तरह? समस्या यह है कि इसने मेरे को 1.5 लाख रुपये दिलाए थे सुरेंद्र सिंह से। कौन ने दिलाए थे, किससे दिलाए थे? गोपाल ने। हाँ, मैंने उनको वापस करे। हाँ, गोपाल को। हाँ, और गोपाल ने उनको नहीं दिए पैसे, सुरेंद्र सिंह को यादव पैसे नहीं दिए उसने। फिर इन्हें पप्पू यादव से पैसे दबाए, गोपाल शुक्ला ने उसने 1.5 लाख 1,59,000 तो उनके पैसे नहीं पहुँचे। अच्छा, फिर उसने समस्या आ रही है, उसने मेरे उसने क्या किया कि डॉक्टर वो है महेश शर्मा जी, उसने महेश शर्मा जी से मेरे नाम वो दबाया नोट 40 लाख का कि नाम 40 लाख रुपये लें। आपने 40 लाख रुपये? हाँ, नहीं, और मैंने नहीं लिए साहब। नोटिस कैसे आया आपका, चेक वगैरह दिया था क्या था? नहीं, चेक दिया, चेक दिया मैंने को चेक दिया, चेक दिया मैंने, उसने चेक उसने फा लिया। अच्छा, पहले पूरी बताना यार, पूरा चेक फा लिया, चेक बुक में उसने, चेक बुक में उसने चेक फा लिया।
तो आपने क्या चेक भी दी थी उसे? मैं कहा थी मैं चेक उसको चेक दी उसने फाले में चेक दी नहीं मैं उसको मैंने और उसके नीचे उसने चेक बोला फाली माना मैंने उसे वो की विश्वास किया आपने विश्वास करो तो आप कर लीजिए मेरे साथ होगा पहले धोखा चेक हुआ दूसरे दूसरे धोखा मेरे साथ करिए उसने अभी आप उससे बात करते हो क्या कहता है मैं मेरे बात